हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। सो नो योर इंग्रेडिएंट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मल्टीग्रेन के बारे में। रिसेंटली मल्टीग्रेन का जो ये ट्रेंड है वो काफी पॉपुलर है। आप स्नैक्स देखेंगे, मल्टीग्रेन आपको स्नैक्स मिल जाएंगे, आटा आपको मल्टीग्रेन मिल जाएगा, ब्रेड आपको मल्टीग्रेन मिल जाएगी। तो क्या ये आपके लिए हेल्दी है? इज मल्टीग्रेन हेल्दी फॉर यू और नॉट? और कैसे आप इसे घर पर बना सकते हैं? किन लोगों को मल्टीग्रेन अवॉइड करना चाहिए? किन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है? ये पूरा वीडियो उसी के ऊपर है। मैंने कुछ रीडिंग की इसके ऊपर तो मुझे पता लगा कि बड़े बड़े जो मिल ओनर्स होते हैं उन्हें परेशानी होती थी कि कई बार बहुत थोड़े अमाउंट में अलग अलग तरह के आटे बच जाते थे, जैसे रागी का आटा बच गया, थोड़ा सा चने का आटा बच गया, थोड़ा जवार का आटा बच गया। तो उन्होंने क्या किया कि सभी को मिलाकर एक साथ एक बैच में उन्हें बेचना या मार्केट में निकालना शुरू कर दिया। उसी टाइम ये ट्रेंड भी शुरू हुआ कि मोटा अनाज जो होता है वो हेल्दी होता है, और ऐसे में लोग चाहते थे कि उन अनाजों को यानी मिलेट्स को डाइट में कैसे इंक्लूड करें। तो इस मल्टीग्रेन ने उन्हें ऑप्शन दिया कि आप रागी को थोड़ा सा अपनी डाइट में इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, जवार को इंक्लूड कर सकते हैं, चने के आटे को इंक्लूड कर सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत पुराने जमाने से मल्टीग्रेन को डाइट में इंक्लूड किया जाता है, मल्टीग्रेन को बताया जाता है डाइट में इंक्लूड करने के लिए, बट नॉट द वे जैसे इन मिल ओनर्स ने स्टार्ट किया कि जो भी बचा हुआ है सबको मिला दो विदाउट मेकिंग श्योर कि उनका प्रपोर्शन क्या है, विदाउट इवन कंसिडरिंग कि क्या ये रेशो जो है ये ठीक रहेंगे कि नहीं, किन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, किन लोगों को नुकसान कर सकते हैं ये। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि क्या पर्पस था आयुर्वेद में या साइंस में या न्यूट्रिशन में जब हम मल्टीग्रेन की बात करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले जो और सबसे जो नेचुरल इसका आंसर है वो ये है कि मल्टीग्रेन आपको ऑप्शन देता है अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने का। तो रागी के अंदर जैसे आयरन कैल्शियम होता है, जो भी सीड्स होते हैं जिन्हें ग्रेन की तरह कंज्यूम किया जाता है उनका प्रोटीन का प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है। कई ऐसे आटे जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, कई आटे जो होते हैं उनमें फाइबर थोड़ा कम होता है, तो ऐसे में मिक्स करके खाएंगे तो आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा। दूसरा जो रीजन था मल्टीग्रेन को इंट्रोड्यूस करने का वो ये था कि ग्रेन्स जो होते हैं वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते हैं, यानी उनके अंदर जो 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड आपको चाहिए होता है एक अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन के लिए वो नहीं होता है। और जो भी ये पल्सेस होती हैं या फिर जो भी ये लिग्यूम्स होते हैं जैसे चना है, चना दाल है, छोले हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो ग्रेन में मिसिंग होते हैं। तो जब पल्सेस और ग्रेन्स को हम मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमें कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। तो एक कंप्लीट न्यूट्रिशन के पर्पस के लिए भी इसे इंट्रोड्यूस किया गया। एक और रीजन जो मैंने आपको पहले भी बताया था मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मिलेट्स कई लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम पे हैवी होते हैं तो कैसे उन्हें डाइट में इंक्लूड किया जाए, उसके लिए एक आसान मेथड लगा कि आप जो नॉर्मल जैसे गेहूं की रोटी बनाते हैं आप उसके अंदर थोड़े मिलेट ऐड कर लेंगे तो आपकी डाइट के अंदर मिलेट भी ऐड हो जाएगा। लेकिन मिलेट्स के अंदर ज्यादा फाइबर होता है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उससे हेल्दी रहेगा, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो हो जाएगा। सिर्फ गेहूं का आटा खाएंगे उसमें ग्लूटेन ज्यादा होगा, मिलेट्स के अंदर ग्लूटेन नहीं होता, सूडो ग्रेन्स के अंदर ग्लूटेन नहीं होता, तो ग्लूटेन का कंजप्शन भी आपका कम हो जाएगा जो कई लोगों को सूट नहीं करता। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ बैड थिंग, इट्स काइंड ऑफ अ प्रोटीन, लेकिन कई लोगों को सूट नहीं करता है। नेक्स्ट इज सीजनल जो स्पेशल ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि हम विंटर्स में बाजरा खाते हैं, जवार खाते हैं, इस सीजन में हम बार्ले खाते हैं, रागी को भी खाते हैं, तो ऐसे में सीजनल स्पेशलिटीज को भी इंक्लूड करने का आपको डाइट पे ये मौका देता है। नेक्स्ट इज मोस्टली जो वीट फ्लावर आजकल मार्केट में अवेलेबल है उसमें से ब्रान अलग कर दिया गया है, तो उसके अंदर फाइबर एक्चुअल में काफी कम है और वो प्रोसेस्ड है। ऐसे में जब ये मिलेट्स आप उसके अंदर मिलाएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी है वो और लो हो जाएगा और वो आपको फिल रखेगा ज्यादा देर तक। नेक्स्ट इज कहा जाता है कि ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में आपकी बॉडी के अंदर हेल्प कर सकता है। इसके अलावा डेली अगर हम एक ही ग्रेन खाएंगे तो उस मोनोटोनी को भी ब्रेक करने में हमें हेल्प करेगा। तो डेली अगर आप एक या दो ही ग्रेन खा रहे हैं तो आप की डाइट जो है वो मोनोटोनस हो जाएगी। मोस्टली जो इंडियंस होते हैं दे ईट ओनली राइस और दे ईट ओनली वीट, ये आपकी हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। कुछ रिसर्च में आया था कि बिकॉज आप वैरायटी ऑफ मिनरल्स और विटामिंस खा रहे हैं तो आपकी बोन्स के लिए अच्छा है ये,
आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कंपैरिजन दिखाना चाहूंगी कि एक गेहूं की रोटी जब आप खाते हैं तो उसका न्यूट्रिशन क्या होता है, और एक मल्टीग्रेन जब आप रोटी खाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली है, वैसे डिपेंड करता है कि आपने मल्टीग्रेन में कौन कौन से आटे मिक्स किए हैं। तो गेहूं की होल व्हीट की एक रोटी की बात करें तो उसके अंदर 104 कैलोरीज होती है, कार्ब 17 ग्राम, प्रोटीन 3 ग्राम, फैट 2.5 ग्राम। वहीं मल्टीग्रेन रोटी के अंदर 125 या उससे ज्यादा कैलोरीज होती है, कार्ब्स 19.4 ग्राम, जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, प्रोटीन भी इसके अंदर ज्यादा होता है एंड फैट भी इसके अंदर ज्यादा होता है। न्यूट्रिशन बताने का मेरा पर्पस ये था कि एक गलती लोग करते हैं ये कि मल्टीग्रेन की जो रोटी होती है वो हैवी होती है एज कम्पेयर टू आर होल व्हीट की रोटी, सिर्फ जो व्हीट की रोटी होती है। लेकिन इट इज हैवी बिकॉज इट हैज मोर फाइबर, इट हैज मोर प्रोटीन, जिसका डाइजेशन थोड़ा सा आपकी बॉडी पर हैवी होता है। सो कई लोग मल्टीग्रेन चपाती भी उतनी ही खाते हैं जितना हम नॉर्मल खाते हैं, तो ऐसे में कई बार उनको ओवर ईटिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज कैसे बनाएं। तो ये जो मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रही हूँ मल्टीग्रेन आटा या मल्टीग्रेन को बनाने के लिए, घर के अंदर उसे आप लिख कर नोट करके रख लीजिए अपने पास, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी होगी। और यही घर पर मल्टीग्रेन बनाने में ही लोग गलती करते हैं। तो जो बेस होता है मल्टीग्रेन का वो मोस्टली हम यूज करते हैं होल व्हीट। क्यों होल व्हीट यूज करते हैं, उसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, तो उसे ना सिर्फ हमें डो को गूंदने में आसानी होती है बल्कि हमें रोटी को बेलने में, उसे बनाने में और उसे सेकने में भी आसानी होती है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्लूटेन विच इज प्रेजेंट इन होल व्हीट, कि हम उसे ज्यादा इलास्टिसिटी की वजह से अच्छी तरह ये सारी चीजें कर पाते हैं। तो अगर आप बेस रख रहे हैं होल व्हीट का, विच इज फाइन, अगर आपको कोई ग्लूटेन से एलर्जी नहीं है, यू कैन हैव इट, एब्सोल्युटली सेफ फॉर एवरीवन, इवन दोज हु आर ट्राइंग टू लूज वेट टू हैव दिस होल व्हीट। नेक्स्ट आप इसमें ऐड करेंगे हाफ टू वन थर्ड कप ऑफ एनी मिलेट। तो अगर आपका डाइजेशन वीक है तो आप रागी, ओट्स, लिटिल मिलेट या फॉक्सटेल मिलेट की तरफ जाएंगे। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आप बाजरा, जवार या जौ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगला जो आपका रेशो आएगा वो है 1/4, दैट इज एनी फ्लावर विच इज हाई इन प्रोटीन। तो चाहे वो बेसन हो, चना दाल का आटा हो, सोया का आटा हो जो ऑर्गेनिक सोया का आटा है, कुट्टू का आटा हो, किनुआ का आटा हो, राजगीरा यानी जिसे हम चौलाई भी कहते हैं उसका आटा हो, दाल का आटा जैसे मूंग दाल का भी आटा आपको मिल सकता है, वो आप ले सकते हैं। जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है वो इसे थोड़ा और कम कर सकते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल सेफ है। 1/4 जो पार्ट है वो आपको हाई प्रोटीन का आटा लेना है। नाउ इसके बाद की चीजें कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। आप इस आटे के अंदर 1 टेबलस्पून नट्स या सीड्स का मिक्सचर मिला सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैं सर्दियों में इसे मिलाती हूँ, जैसे मेरे पास फ्लैक्स सीड रखे हुए हैं, चिया सीड्स रखे हुए हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून आप कोई भी ग्रीन मिला सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास ड्राइड कसूरी मेथी है, मिंट का पाउडर है, थाइम है या कोई और ऐसा हर्ब है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। आधी से 1/4 चम्मच आप कोई स्पाइस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जीरा पाउडर है, अजवाइन है, कोरिएंडर पाउडर है, अगर आप चाहें तो जिंजर और गार्लिक भी इसके अंदर डाल सकते हैं, सॉल्ट एंड हींग। तो ये सारे जो स्पाइसेस हैं ये आपके डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, ये इस आटे के डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि जब भी आप मल्टीग्रेन का या कोई भी नॉर्मल आटा गूंदें, मेक श्योर कि आप डो को अच्छी तरह नीड करें। अगर आप डो को नीड नहीं करेंगे उससे क्या होता है, उसके अंदर एयर जो होती है वो अच्छी आ जाती है और उसका डाइजेशन आपकी बॉडी पर अच्छा हल्का हो जाता है। कोई भी आटा हो गूंदने के बाद 10 से 15 मिनट या आधा घंटा डिपेंडिंग अपॉन सीजन, क्योंकि गर्मियों में आप ज्यादा रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे तो वो आटा पतला हो जाता है, तो आप उसे रेस्ट भी जरूर करें, गूंदें भी अच्छी तरह आटे को। जितना आप अच्छी तरह उसको नीड करेंगे, गूंदेंगे, उतना अच्छा, उतना फ्लफी वो आटा बनेगा, उतनी सॉफ्ट उसकी चपातियां बनेंगी, उतना उसको इजी होगा डाइजेस्ट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज क्यों आपको मल्टीग्रेन घर पर ही बनाना चाहिए। पहली बात तो फ्रेश होगा ये। हर आटे की अपनी शेल्फ लाइफ होती है, तो गेहूं की शेल्फ लाइफ ठीक ठाक होती है, मिलेट की शेल्फ लाइफ एज कम्पेयर टू गेहूं का आटा काफी कम होती है। रागी का आटा जल्दी खराब हो जाता है, जवार का आटा आपने देखा होगा, बाजरे का आटा देखा होगा, कुट्टू का आटा, इन सब की शेल्फ लाइफ कम होती है। ऐसे भी जब मार्केट में ये सारी चीजें आप मिक्स करके घर लेके आते हैं तो देयर आर चांसेस कि इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम हो, और अगर इस पे लिखा है कि शेल्फ लाइफ ज्यादा है तो दैट मीन्स उसके अंदर कोई एडिटिव्स हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज जो स्टोर पे बना हुआ आटा होता है उसके अंदर
बहुत सारी चीजें होती है, टन्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं हो, एंटी केकिंग एजेंट भी हो सकता है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे में हो सकता है कि आप कुछ चीजों से एलर्जी हो या आप सेंसिटिव हो आपका स्टमक कुछ चीज़ों से। एज आई सेड, कई लोगों को सोया सूट नहीं करता है, कई लोगों को चना खाने से उनको इनडाइजेशन हो जाता है, कुछ लोगों को कुछ और सूट नहीं करता है। ऐसे में जब आप घर पे उन्हें बनाएंगे, अपनी मनपसंद अपनी को सूट करने वाली चीज़ें डालेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी होगा। इट विल बी मोर क्लीन एज कम्पेयर टू द आटा दैट यू बाय फ्रॉम द स्टोर। ऑल्सो इफ पॉसिबल ये सारे आटे या सारे ग्रेन्स आप किसी लोकल चक्की से अलग अलग खरीदें। सो यस, मल्टीग्रेन इज हेल्दी फॉर यू, स्पेशली पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल की जिन्हें प्रॉब्लम है, पीपल ट्राइंग टू लूज वेट। आप जरूर अपनी डाइट में इसे शामिल करें, लेकिन कुछ केयर आपको करने की जरूरत है। एज आई सेड, इट इज हाई इन कैलोरी, पोर्शन कंट्रोल करने की आपको जरूरत है। डू नॉट कंज्यूम मल्टीग्रेन ऑन अ डेली बेसिस, आप वीक में 3 बार इसे इंक्लूड कर सकते हैं। और मेरी एडवाइस माने तो वंस यू गेट यूज टू मिलेट्स, वंस यू गेट यूज टू दीज अदर आटास, तो आप इन्हें सेपरेट भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इन्हें मिक्स करें। मे बी आप आज खा रहे हैं गेहूं का आटे की रोटी, कल आप रागी के आटे की रोटी खाइए, परसों आप जौ की रोटी खा सकते हैं, चने का आटे के आप चिल्ले बना सकते हैं। तो ऐसे वैरायटी आप अलग अलग भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको मिक्सचर ही खाना है, तब भी आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, डू नॉट बाय मल्टीग्रेन प्रोडक्ट्स। नाउ ये सोच के कि ये बिस्किट मल्टीग्रेन है ये हमारे लिए हेल्दी होगा, ये चिप्स मल्टीग्रेन है तो ये हेल्दी होगा, ये मल्टीग्रेन ब्रेड है तो बहुत अच्छी होगी हमारे लिए, दैट इज़ नॉट ट्रू। तब भी वो प्रोसेस्ड ही होंगे, उनके अंदर एडिटिव्स हो सकते हैं, उनके अंदर केमिकल्स हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं। तो जो भी, अगर आपको मल्टीग्रेन ब्रेड कभी कभी खानी है दैट इज़ फाइन, लेकिन रेगुलरली आप अगर उन्हें खाएंगे ये सोच के कि बहुत हेल्दी है ये आपके लिए, तो नो। गो स्लो इफ यू आर न्यू टू मिलेट्स, इफ यू आर न्यू टू ऑल द डिफरेंट ग्रेन जिसके बारे में मैंने बात की है, तो धीरे धीरे नॉलेज गेन करते हुए वन बाय वन अपनी डाइट में ये ग्रेन्स जो है ये ऐड करें। और एक और जो लास्ट में मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी कि आप चाहें तो घर पे स्प्राउटेड फ्लावर से भी ये आटे बना सकते हैं। मार्केट में भी आजकल स्प्राउटेड फ्लावर मिलने लग गया है, विच इज नथिंग बट आप घर पे स्प्राउट करें उन्हें, आप सन में अच्छी तरह ड्राई करें ग्रेन्स को, मेक श्योर कोई मॉइस्चर ना हो, और फिर उनके अंदर उसे आप पीस लीजिए। आप अगर डायरेक्टली उन्हें यूज़ कर रहे हैं, यानी इमिडिएटली अगर आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा मॉइस्चर होगा तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप स्टोरिंग के पर्पज से उसे बना रहे हैं तो मेक श्योर कि उसमें कोई मॉइस्चर ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू मेक मल्टीग्रेन, हाउ टू यूज द बेनिफिट्स एंड द पर्पज ऑफ मेकिंग मल्टी फ्लावर। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। स्टे विद मी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, स्टे सेफ, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।